तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे बैटल रॉयल गेम्स की। तो गाइस, आज की सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि आज के सभी बैटल रॉयल गेम्स आपके लो एंड डिवाइस में इजीली चल जाएंगे। इन गेम्स को चलाने के लिए आपको मिनिमम 1 GB रैम और मैक्सिमम 2 GB रैम चाहिए होगा। एंड कमाल की बात यह है कि इन गेम्स का डाउनलोडिंग साइज भी आपके लिए काफी ज्यादा कम होगा। सर लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, गेमिंग दुनिया के अंदर से लो एंड डिवाइस के लिए अच्छे बैटल रॉयल गेम्स को ढूंढ कर लाना बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वाली वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, बैटल रॉयल सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लेलिस्ट के बारे में जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरी सारी बैटल रॉयल गेम्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी। एक एक करके आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। आपको आपकी पसंद का फेवरेट बैटल रॉयल गेम 100% मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस यार, अपने फेवरेट बैटल रॉयल गेम का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आखिर मैं भी देखूं कि आज के टाइम पर कौन सा बैटल रॉयल गेम ज्यादा लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 गेम से। नंबर 1 गेम का नाम है रॉग एजेंट। से एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 271 MB। ये वाला गेम 2020 में लॉन्च हुआ है एंड ये वाला गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। रॉग एजेंट्स एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है जहां पर आप लोग दीवारों के ऊपर भाग सकते हो और इस तरीके से पार्कोर भी कर सकते हो। यहां पर आपको नॉर्मल सी लॉबी देखने को मिल जाएगी एंड 5 अलग अलग तरह के मैप देखने को मिलेंगे। इस गेम के अंदर काफी सारे वेपन है एंड 3 गेम मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको डेथ मैच मोड भी देखने को मिलेगा। आप इस वाले गेम को दोस्तों के साथ में भी खेल सकते हो एंड आपका जो कस्टम HUD होता है आप लोग उसे भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो आप इसे टैप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर इसके 170,000 प्लस डाउनलोड है एंड इसको 7.5 की रेटिंग मिली हुई आउट ऑफ 10 में से। तो मेरे हिसाब से ये गेम काफी अच्छा है, आपको चेकआउट कर लेना चाहिए। वैसे भी ये वाला गेम आपके लो एंड डिवाइस में तो चल ही जाएगा। यहां पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूं बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 2। तो हमारी सीरीज का सेकंड गेम है प्रोजेक्ट X22। ये भी एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 466 MB। ये वाला गेम 2022 में ही लॉन्च हुआ है एंड ये गेम बस एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। प्रोजेक्ट X22 एक न्यू बैटल रॉयल गेम है जिसे कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले गेम का मैकेनिज्म काफी ज्यादा सिमिलर है एपेक्स लेजेंड मोबाइल से। इस वाले गेम की ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रियलिस्टिक फिजिक्स देखने को मिल जाएगा। इस गेम को चलाने के लिए आप लोग को कम से कम 2 GB रैम का डिवाइस चाहिए होगा। इस गेम के अंदर आपको लेजेंडरी हीरोज एंड यूनिक वेपन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा बना देगा। इस गेम के अंदर अभी रैंकिंग सिस्टम नहीं आया है, जैसे इस वाले गेम का नया अपडेट आ जाएगा तो आपको रैंकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले गेम को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में खेल सकते हो, वो भी वॉइस चैट फीचर के साथ में। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 1 लाख प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी जाओ इस वाले गेम को चेकआउट करो। लेकिन ये गेम अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए आपको सिंगापुर का VPN कनेक्ट करना है एंड सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड फिर आप लोग इजीली इस वाले गेम को खेल सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 3। गेम का नाम है सॉसेज मैन। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 849 MB। ये वाला गेम 2022 में ही लॉन्च हुआ है एंड ये गेम दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। सॉसेज मैन एक कॉम्पिटेटिव मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को कार्टून स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इस वाले गेम का डाउनलोडिंग साइज आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा बट टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये वाला गेम आपके 1 GB रैम वाले डिवाइस में इजीली चल जाएगा विदाउट एनी लैग इशू। ये एक क्यूट ग्राफिक्स वाला थ्रिलिंग बैटल रॉयल गेम है जहां पर अपना जो कैरेक्टर है वो एक सॉसेज मैन होगा। इस वाले गेम की लॉबी अच्छी है, ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी मस्त है। आप इस वाले गेम को मल्टीप्लेयर खेल सकते हो वॉइस चैट फीचर के साथ में एंड यहां पर आपको डेथ मैच मोड भी देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है एंड इसको 4.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 में से। रेटिंग से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो गेम काफी अच्छा रहेगा। तो आप लोग इस वाले गेम को चेकआउट करो। यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 4। गेम का नाम है रॉकेट रॉयल। ये एक ऑनलाइन गेम होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 150 MB।
ये वाला गेम 2018 में लॉन्च हुआ था एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। रॉकेट रॉयल गेम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इस वाले गेम के अंदर आपको आइलैंड के ऊपर रिसोर्सेज इकट्ठा करना होता है और रॉकेट बनाकर इस आइलैंड से कहीं दूर चले जाना है। ये एक क्राफ्टिंग बैटल रॉयल गेम है। रॉकेट बनाने के लिए आप लोग को वुडन और इस रेयर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने रॉकेट बना लिया तो आप लोग को रॉकेट की पहरेदारी करनी पड़ेगी क्योंकि रॉकेट को उड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और इस बीच दूसरे प्लेयर्स आपके रॉकेट को हथिया सकते हैं। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसमें 25 प्लेयर्स का मैच होता है। गेम की ग्राफिक्स मुझे तो काफी अच्छी लगी है एंड आप लोग इस वाले गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर इस वाले गेम के 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है एंड इसको 4.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 में से। यहां पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताता हूं बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 5। तो हमारी सीरीज का आखिरी बैटल रॉयल गेम होगा मिनी टैक्टिक्स। ये एक ऑनलाइन गेम है, डाउनलोडिंग साइज होगा 400 MB। ये वाला गेम बस एंड्रॉइड के ऊपर ही अवेलेबल है। ये भी एक न्यू बैटल रॉयल गेम है जो कि 2022 में ही लॉन्च हुआ है। इस वाले गेम की लॉबी आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी एंड गेम के अंदर आपको एनिमे स्टाइल का कैरेक्टर देखने को मिलेंगे एंड काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले गेम के जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं आप लोग को माइनक्राफ्ट की याद दिला देगा। आप लोग जैसे ही जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ कर दोगे वैसे ही आपका कैरेक्टर भागने लगेगा एंड ये बात मेरे को पता करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था इसलिए मैंने आप लोग को वीडियो में बता दिया। इस वाले गेम की ग्राफिक्स अच्छी है एंड यहाँ पर आप लोग को काफी सारे कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को बैटल रॉयल सीरीज के पांच गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्यादातर गेम्स की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग वहां से जाकर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।